जी तो गुड मॉर्निंग, अब हम जा रहे हैं जेंटिंग हाइलैंड्स मलेशिया। एक जगह है कुआलालंपुर के पास, तकरीबन 2 घंटे की राइड है और एक हिली एरिया है एक तरह से, लाइक मरीन अथिया गली टाइप। तो अभी वहां जा रहे हैं और उसके लिए हमें एक बस पकड़नी है जो कि इधर है, मुझे स्टॉप का नाम भूल गया, ये पकड़ दूर आया। एक जगह है जिसे आप पुद्दू सेंट्रल भी कहते हैं, पुद्दू राया भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 400 मीटर की राइड, ये वॉक अभी राइड होनी है हमारे पास की, हम वॉक करेंगे 400 मीटर। और वहाँ पे एक बेसमेंट में बस स्टॉप है जहाँ से आई थिंक हम आई हुई थी, वही जगह है अभी, आई एम नॉट श्योर, जाके पता लगता है। तो वहाँ जाएंगे, 10 रिंगिट की टिकट है और वो सीधा आपको अवाना लेके जाएगी जो जेंटिंग आइलैंड का आखिरी स्टॉप है। अवाना से आप फिर केबल कार की टिकट लेंगे, वो आई थिंक 18 रिंगिट के लगभग होगी और वहाँ से फिर आप ऊपर आप फुल हाइट में पहुँच जाएंगे। खैर हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे सब जो है इस सफ़र में आपको देखने को मिलेगा। ये साइड वॉक्स काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं जिसमें बारिश से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ धूप तो इतनी नहीं पड़ती, यहाँ बारिश बहुत होती है, उसके लिए ये शेड बनाया हुआ है कि आप इसमें से गुजरते हुए जा सकते हैं। वो देखिए सामने लिखा हुआ है पुद्दू सेंट्रल, और इनका हमेशा सेंट्रल जो है ना, ये देखिए उस पर लिखा होता है एस से, हमारा हम सी से लिखते हैं, ये एस से लिखते हैं, पता नहीं क्या वजह से। तो ये है बस जहाँ से हमें मिलेगी, लेट्स क्रॉस द रोड एंड हॉप इन इन द बस स्टेशन। वेट वेट वेट, प्रोटॉन गाड़ी है बहुत, ये सिंगापुर भी जा रही है, काफ़ी जगह जा रही है, इससे इससे पूछते हैं। जेंटिंग आइलैंड सारे इधर बांग्लादेशी हैं, number 3 and 4. Okay. Where is the bus? Here it is. Okay. 11:30. 11:30. Okay ji. Ticket hamari ho gayi hai. 20 ringgit total do bandon ke, 10-10 ringgit. Website mein takriban 11 ringgit aa raha tha aur tax dal ke 12 ringgit. Maine wahan se book nahi kiya, card se ho bhi nahi raha tha. Maine try kiya lekin nahi ho raha. अभी 11:30 की बस है, आप एयर एशिया और या 1to go.com वगैरह पे इनकी टाइमिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। एयर एशिया की आप ऐप डाउनलोड कर लें, कोई भी वहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट की ऑप्शन होती है, कहीं भी आपने जाना वहाँ पर लिखेंगे तो एयर एशिया में आपको वो सारी ऑप्शंस दे देगा कि आप बस से, ट्रेन से, जहाज़ से किस से जा सकते हैं और कहाँ से। वो बड़ा ईजी है, बहुत अच्छा है एयर एशिया की ऐप। फिलहाल अभी हम वेट करेंगे। एरिया विदाउट मास्क नहीं अलाउड, कौन कह रहा है। और ये एयरपोर्ट शटल की वो है 15 रिंगिट इसका वो है कि एयरपोर्ट के लिए बस जाती है, ये टाइमिंग है और यहाँ से जाती है और यहाँ आपको ड्रॉप भी करती है। ये पुद्दू सेंट्रल प्लेटफॉर्म 4 पे, 4 4 4 ये है शायद, हाँ सिंगापुर के लिए भी जाती है, बहुत बसेस हैं आती जाती रहती हैं। ये आपको नेट पे इसके मिल जाएगा कि ये पुद्दू सेंट्रल से कौन कौन सी बसें जाती हैं।
ये इनका वो भी है वेबसाइट starmartbus.com। ये जी हमारी बस आ गई है, वो लिखा हुआ है जेंटिंग स्काई वर्ल्ड, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आके रुकी है। इसमें अभी हम जाएंगे, ऊपर देखे लिखा हुआ है जेंटिंग। सीट नंबर 2-3 थी कि 3-4 थी। ये जी मलेशिया के सिक्के, मलेशिया के नोट बहुत प्यारे हैं, थाईलैंड से प्लास्टिक वाले हैं ना। शायद खाने पीने की चीज़ें नहीं ला सकते। ये 3 और 4 यही सीट मुझे चाहिए भी थी जिससे फ्रंट का भी व्यू आ सके। कहते हैं अच्छा एक चीज़ है कि आप पैर, आप पता नहीं आप कब आएंगे, लेकिन मार्च 7 वैसी ही एक तैयारी कर लें। 3 और 4 यह भी है। सो कहते हैं मास्क के बगैर नहीं ले जाना, वहाँ से आप मास्क लो। अपनी कमाई के लिए इन्होंने जो है ना वही कुछ किया हुआ है, लेकिन हमारे पास ये फारक सा मास्क था जेब में, हमने फौरन निकाला, उसका ऐसा मुंह बन गया। कहते हैं हमने कहा तुम्हारी कमाई चली गई, अब पता नहीं कितने 2 रिंगट का, 3 रिंगट का, जितने का भी देते हैं, हमें तो लेना पड़ता, लेकिन अगर हमें एयरपोर्ट से ये फ्री मिल गया था फारक सा है, लेकिन चलो मास्क तो है ना, होना चाहिए बस आपके पास। ये बस निकलने वाली है 2-3 मिनट में, टाइम तो हो गया, सवारियाँ जैसी फुल होती हैं तो ये चलेगी। 2 घंटे का रास्ता है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, लेट्स सी 30 किलोमीटर है आई थिंक, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है। वहाँ लिखा हुआ है कि सिगरेट नहीं पीनी, साला खुद सिगरेट पी रहा है। सही है भाई, ड्राइवर है वो कुछ भी कर सकता है, नियाजी कोच का ड्राइवर है, यू कैन डू एनी थिंग, बादशाह है बादशाह इस टाइम का। वो ये चल पड़ी है जी बस 11:33 पे, ठीक है, वी आर ऑन टाइम एंड वी आर ऑन बोर्ड, लेट्स गो। ये जो टिकट हो गई है कुछ ऐसी टिकट है, ये वैलिडिटी 72 घंटे है इसकी, 18 रिंगट की है आने जाने की, यानी 9-9 रिंगट कह लें आप एक एक साइड में। अब यहाँ से कहाँ जाना है, अच्छा इसके अंदर जाना है, ठीक है चलो, अभी नजम भाई वॉशरूम गए हैं, वो आते हैं तो फिर जाते हैं। प्लीज
अच्छा मास्क के बगैर यहाँ भी नहीं छोड़ रहे, वो लिफ्ट है। आहिस्ता आहिस्ता घूम रही है, कुछ इस तरह की है केबन कार है, इसमें सुना है एसी भी होता है। सुना है, अब देखते हैं क्या है। लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, अब बस बिल्कुल नहीं है, काफ़ी हाइट पे है ना तो ठंड लग रही है। हल्का पुल्का बंदा हुड वगैरह पहन सकता है, 25-26 डिग्री है। ये तो हम वहाँ उतर गए हैं, अब मुझे ये चिंगसी टेंपल वाले एरिया में जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। यहाँ का एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, छोटे छोटे। अच्छा हाँ, वहाँ लिखा होगा चिंगसी टेम्पल और चिंगसी केव्स। फिसल गए ना, ये सारी सीढ़ियाँ ऐसी खाई से जो है ना काफ़ी गीली हुई हुई और स्लिपरी हुई। हम तो वही रिस्क नहीं लेंगे, हमने बहुत घूमने, हम गारों में क्या, हमारे गांव में बड़े उतरना चाहे उतर सकते हैं, ना उतरना चाहे तो आप सीधा भी जा सकते हैं। जैसे हमारे केबल कार में दो और फैमिलीज थी ना, उसमें से एक उतरी हमारे साथ और दूसरी सीधा आगे चली गई, वो उतरी ही नहीं। तो इट्स अप टू यू, आप उतरना चाहे उतर सकते हैं, ना उतरना चाहे तो आप जा सकते हैं आगे भी। लेकिन ये अच्छी जगह है, आपको उतरना चाहिए, बहुत खुला एरिया। और ये देखें ना बादलों को, आप देखें, मैं एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको। वाह, पाकिस्तानी कितना बन रहा था, 1000 1100 रुपये तकरीबन पाकिस्तानी टिकट है आने जाने की। 18 फुट की है ना तुमने मल्टीप्लाई, हाँ तकरीबन ऐसी है कुछ 1200 के लगभग आप कह लो, तो उस पैसों में जगह वर्थ इट है। 10 रिंगट की आप बस लें बुकित बिनतांग से, पुद्दू सेंट्रल से, और यहाँ 18 रिंगिट की टिकट लें, वो एक बुद्धा का स्टैचू है, तो इट्स वर्थ इट, इट्स मोर देन वर्थ इट जो आपने पे किया है, उससे मैं कहता हूँ 4-5 गुना ज़्यादा भी पेमेंट होती तो आप आना चाहिए था आपको। बहुत अच्छी जगह है, मौसम हाँ लेकिन साफ हो, यहाँ बारिशें बहुत होती हैं शुक्र है, बादल तो अभी बहुत हैं लेकिन बरस नहीं रहे फ़िलहाल, तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, इसलिए हम जल्दी जल्दी देख लें इसका कोई पता नहीं। तो बहुत तेज़ हवा है, आप स्वेटर वैसे नहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाना चाहें तो जैकेट छोटी सी या कोई स्वेटर ला सकते हैं अगर आपको ठंड लगती है हवा वगैरह से तो। So it's like this. ये वो टावर है, इसके लिए लोग अपनी पूजा पूजा करते हैं।
सारा घूम के टेंपल चिनस्वा टेंपल था क्या था, हाँ चिनस्वी टेंपल। अब हम ऊपर जाएंगे इससे। फुल बादलों में भी आए आए बस स्टेशन आ गया। देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। जस्ट ऐसी एक वो है, एक स्टॉप ओवर टाइम है, मेंटेनेंस के लिए होगा शायद, लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं, ये सीधा जाएंगे। ओके चलते हैं। वैसे भी हमारा अब रुकने का दिल नहीं है और बहुत ठंड है भाई यहाँ, और ठंड यहाँ पे ठंड बहुत है। देखो ना बादल है, कुछ नहीं नजर आ रहा। और ऊपर जाएंगे। ये जी पहुंच गए एकदम ब्रेक मार। ओके स्काई एवेन्यू स्टेशन बहुत ठंड है यार, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन ठंड बहुत है। इतनी हाइट पे इतना फिट मान, ये देखें ना। रोलर कोस्टर भी है इधर, आओ ट्रियाटा के चेयर लिफ्ट में दो टेबलें रखते हैं। हाँ दो तीन टेबलें रखते थे, घोड़े जो है ना वहाँ पे चला देते हैं और चाय पकौड़े खिला देते हैं, कहते हैं ये आ गए आप टॉप पे आ गए। और यहाँ देखो इतना बड़ा मॉल है टॉप पे, जैसे आप वो सामने चेयर लिफ्ट है घूम रही हैं, आपको शायद नज़र आ रहा हो, वहाँ से उतरे और सीधा मॉल के अंदर। और हम मॉल में घूमे नहीं क्योंकि जाना है बस, क्योंकि और भी बड़ी जगह देखनी है, टाइम कम है। नीचे प्ले एरिया है बच्चों के लिए, KFC है, मैकडोनल्ड है, शॉपिंग के लिए काफ़ी जगह हैं। ये कोई इनके मलेशियन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ा मॉल है। ये चीज़ है ना, फिर लोग इसलिए टूरिज्म के लिए आते भी हैं कि यहाँ पे सहूलतें बहुत हैं, बड़ा मैनेज तरीके से। चलो चलते हैं।